हेलो स्टूडेंट्स इन लास्ट वीडियो वी हैव डन नीट 2023 बायो एग्ज़ाम 44 क्वेश्चंस हमने 44 क्वेश्चंस कर लिए थे अब हम कंटिन्यू करेंगे विद 45 क्वेश्चन फोटी क्वेश्चन क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर क्रेक्ट अबाउट क्लीन फिल्टर सिंड्रोम क्लीन फिल्टर सिंड्रोम जो है वो क्लिन फिल्टर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट दी है दिस डिसऑर्डर वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई लैंगडन डाउन और लैंगडन डाउन ने जो 1866 में जो डिस्कवर किया था वो डिस सी डाउन सिंड्रोम तो हमारा ये ए स्टेटमेंट यहाँ पे इनकोरेक्ट हो जाता है सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है सच एन इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मैस्किन डेवलपमेंट हाउ एवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोजोम जो है एक्स्ट्रा होता है देर इज वन एक्स क्रोमोजोम इज एक्स्ट्रा सो यहाँ पे हमारा जो जीनोटाइप बन जाता है वो है एक्स एक्स वाई तो यहाँ पे एक्स एक्स का कम्बिनेशन और एक्स वाई का कम्बिनेशन दोनों है तो मेस्कोलाइन और फेमेनाइन दोनों डेवलपमेंट होंगी दोनों ही एक्सप्रेस होंगे करेक्टर्स तो बी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट हुई सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है द एफेक्टेडल इज शॉर्ट स्टेचर सो शॉर्ट स्टेचर करैक्टर जो है वो डाउन सिंड्रोम का है नेक्स्ट है फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज़ रिटार्डेड दिस इज ऑल्सो द करेक्टर ऑफ डाउन सिंड्रोम ई क्या कह रहा है सच इंडिविजुअल आर स्टराइल बिकॉज बोथ ऑफ द इंडिविज बोथ करेक्टर्स आर प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल बोथ करेक्टर्स आर प्रेजेंट दैट इज वाई इट इज़ अ स्टराइल इंडिविजुअल सो यहाँ पर हमारे पास बी और ई e, दो स्टेटमेंट करेक्ट हुई हैं तो हमारा आंसर जो है वो है ऑप्शन डी नौ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटी सिक्स फोर्टी सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है हाउ मैनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोजोम कंसिस्ट ऑफ राइबोजोम में कितने डिफरेंट प्रोटीन्स हैं देखिए ये राइबोजोम में प्रोटीन्स की बात कर रहा है तो वो जो राइबोजोम को बनाने में हेल्प करता है उसकी स्ट्रक्चर में बनाने में हेल्प करता है तो वो हमारे पास टोटल एटी एटी राइबो प्रोटीन्स हैं राइबोजोम्स में अप्रोक्सीमेटली एटी अदरवाइज वी कैन से दैट सेवेंटी नाइन तो यहाँ पर हमारे जो आंसर हुआ बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दैट इज़ फोर्टी सेवन क्वेश्चन फोर्टी सेवन क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। आपको रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे रिकम्बिनेट डीएनए क्या है जिसमें दो डीएनए अलग अलग आपने कंबाइन किए हैं मतलब एक तो होस्ट डीएनए होता है और उसमें आपने कोई जीन जो फ़ोरन जीन जो है जो आपका इंटरेस्ट ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आपने डाल दिया है तो उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है और आपका जो डी है उसको कट करना पड़ेगा तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर होगा हमारा कटिंग ऑफ डी और उसको कट करने के लिए आपको उसको स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करना होगा ताकि वो आपस में जो है वो लाइएट कर जाएं चिपक जाएं उनके स्टिकी एंड्स बने तो उसके लिए हम एंजाइम यूज़ करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज़ अ एंडो न्यूक्लियस एंजाइम तो यहाँ पे जो बी हमारा स्टेप है वो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ जिसमें क्या होगा कटिंग ऑफ डी एट स्पेसिफिक लोकेशन बाई रेस्ट्रिक्शन एनजाइम कट करने के बाद आप क्या करोगे उस डीएनए को आप अलग करोगे जो उसके फ्रेगमेंट्स बन गए हैं छोटे छोटे उसने काट के पीस कर दिए हैं उन पीसेज को आप अलग करोगे और उसमें से आपका जो जो आपका चाहिए जो सा फ्रेगमेंट आपको चाहिए उसको अलग करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं आइसोलेशन तो हमारा सेकेंड स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर डी एन फ्रेगमेंट जिसके लिए आप क्या करते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो डीएनए को एक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में डालते हो मतलब एक सॉल्यूशन में जिसके दोनों तरफ से चार्ज दिया होगा और डीएनए आपको पता आएंगे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करता है और फ्रेगमेंट जो है वो जेल के बीच में से होके आगे जाते हैं और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आगे तक जा सकते हैं और बड़े फ्रेगमेंट पीछे रह जाते हैं जिससे आपके लिए अलग अलग फ्रेगमेंट अलग हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हुआ आइसोलेट करने के बाद जब आपके पास वो डीएनए अलग हो गया तो उसको आप क्या करोगे उसको आप एम्पलीफाई करोगे क्योंकि आपके पास एक धागा आया है सिर्फ एक जो है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते तो उसके लिए आप क्या करोगे उससे मल्टीपल कॉपीज बनाओगे ताकि आपकी प्रोसेस जो है वो कन्फर्म हो जाए ज़्यादा ज़्यादा समान होने से ज़्यादा रोड मेटीरियल होने से आपके पास तो आप क्या करोगे उसको एम्प्लीफाई करोगे तो वह थर्ड स्टेप इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पी सी आर दैट इज़ पोलिम्रेज चेन रिएक्शन जहाँ पर आपको एंजाइम डालना होता है डी एन ए पोलिम्रेज ठीक है और उसके साथ में डी एन टी पीस डालेंगे चार चारों तरह के जो हमारे नाइट्रोजन बेस हैं उनके न्यूक्लियोटाइड्स डालेंगे जिससे क्या होगा आपका जो डी फ्रेगमेंट जो आपने लिया था उसकी कई कॉपीज तैयार हो जाएंगी बार बार एप्लीकेशन करने से उसमें फोर्थ स्टेप होगा जब आपके पास वो आपका डीएनए बन गया रिकम्बाइन आपने कर लिया उसको आपने होस्ट में डालना है होस्ट सेल में जहाँ पे आपको वो प्रोसेस करवानी है जहाँ पे आपको वो डालना है तो इंसर्शन ऑफ रिकम्बीन डीएनए ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप तो इनको सीक्वेंस को देखते हुए हमारा जो आंसर हुआ बी सी डी ए दैट इज आंसर इज बी नाओ नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स दो स्टेटमेंट दी गई हैं आपको स्टेटमेंट वन क्या कह रही है गोज़ एक् कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप सबको पता है गोज़ कम्पटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी दो क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज हैं अगर वो क्लोज़ एसोसिएशन में रह रही हैं और किसी एक चीज़ के लिए पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो कम्पटिशन कर रही हैं तो क्या होगा जो ज़्यादा स्ट्रोंग होगा वो कम स्ट्रोंग वाले को एलिमिनेट कर देगा बाहर निकाल देगा और वो एक साथ फिर नहीं रह सकती तो ये लाइन क्या कह रही है गर्ल कम्पिटिव एक्सोलेंस प्रिंसिपल स्टेज दैट टू क्लोज रिलेटेड स्पीसिस कम्पीटिंग फॉर द सेम रिलेटेड स्पीसिज कम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एक्जिस्ट वो इकट्ठे नहीं रह सकते इनडेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा टाइम तक एंड कम्पिटिटिवली इन्फीरियर वन जो कम्पटिशन में थोड़ा कमज़ोर होगा इन्फीरियर होगा दैट विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली वो बाहर निकाल दिया जाएगा उस हैबिटेट से तो ये एक जो स्टेटमेंट है हमारी बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट जो है इन जनरल कर्नीवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाई ए कम्पिटिशन दैन हर्बीवोर्स ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है क्योंकि हर्बीवोर्स और जो हमारे प्लांट्स होते, है, होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं कंपटीशन से मोर देन कर्नीवोर्स सो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकोरेक्ट तो हमारा आंसर हुआ स्टेटमेंट वन इज कोरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स सो आंसर इज डी नाउ द क्वेश्चन इज फोर्टी नाइन म्यूचुअलिज्म कोमेंसलीज्म अमेंसलिज्म पैरासिटिज्म। अब आपको ये जो है ये मिलेगा आपको इंटरेक्शन में पॉपुलेशन चैप्टर में जो इंटरेक्शनस होती हैं वो किस तरह की हैं उनको हम प्लस ज़ीरो प्लस माइनस इस तरह से हम देख सकते हैं तो सबसे पहले है हमारा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या कहता है म्यूचुअल यानी कि सेम दोनों के लिए सेम दोनों के लिए बेनिफिट तो यहाँ पे म्यूचुअलिज्म का मतलब है प्लस प्लस यानी कि दोनों स्पीसीज़ को बेनिफिट होगा तो यहाँ पे हमारा ए जो है वो फोर के साथ जाता है सेकंड बी में जो है कोमेंशलीज्म है तो यहाँ पे देखो ए फोर के साथ जाने से हमारा बी सी और डी में से ऑप्शन बचता है ए हमारा बाहर हो गया अब हम देखते हैं कोमेंशलिज्म क्या होता है कोमेंशलिजम होता है जहाँ पे एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा हो और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इसको हम बोलते हैं प्लस जीरो रिलेशनशिप सो बी गोज़ विद वन प्लस जीरो रिलेशनशिप तो यहाँ पे बी वन के साथ सी में जा रहा है अब हम देखेंगे सी को तो सी में है अमैंसलिज्म अमैंसलिज्म होता है जिसमें एक स्पीसीज़ को तो नुकसान हो रहा हो और दूसरी स्पीसीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो अमेनसलिज्म नेगेटिव ज़ीरो रिलेशनशिप सो सी गोज़ विद टू तो यहाँ पर हमारे ये ऑप्शन भी ठीक है डी है पैरासीटिज्म पैरासाइट क्या होते हैं जो किसी और के ऊपर रहते हैं या उसके अंदर रहते हैं और उसको नुकसान पहुँचाते हैं तो ये किस तरह का इंट्रैक्शन हुआ प्लस माइनस इंट्रेक्शन हुआ कि एक स्पीसीज जो पैरासाइट है उसको तो बेनिफिट हो रहा है और दूसरी स्पीसीज होस्ट है उसको नुकसान हो रहा है तो प्लस माइनस रिलेशनशिप जो है वो हमारा पैरासिटिज्म शो करता है तो डी गोज विथ थ्री तो यहाँ पे हमारा आंसर हुआ सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी फिफ्टी क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स आर नोट को जो सही नहीं है वो हमें बताना है सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है द अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंक्रीजेस इन द ऑर्गेनिजम्स द एट सक्सेसिव ट्रोफिकल लेवल अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो पानी में आप डाल दोगे तो क्या होगा वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे उसको ख़त्म करने के लिए ठीक है तो ये हो गया हमारा फर्स्ट द इंक्रीज इन द ऑर्गेनिज्म एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है सेकंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन अ सीवेज पोल्यूटेड वाटर बॉडी कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग द डेथ ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे सीवेज uh, जो है इंक्रीज कर जाता है पानी में अगर हम डाल दें सीवेज मटेरियल तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएगा वो ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको खाने के लिए हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब काम करना होता है उनको ग्रोथ होनी होती है तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन लेते हैं पानी में से घुली हुई पानी में से जो ऑक्सीजन है हमारे पास उससे लेंगे जिससे क्या होगा वहाँ के जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास ऑक्सीजन कम रह जाएगी और वो मरना शुरू हो जाएंगे तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है एल्गल ब्लूम्स कोज्ड बाय एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इंप्रूव वाटर क्वालिटी एंड प्रोमोट फिशेज़ देखो एल्गल ब्लूम क्या होता है एल्गल ब्लूम जो है काफ़ी तो एल्गल ब्लूम जो है वो टॉक्सिक होते हैं जो एक टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं जो फिशरीज़ के लिए या पानी में जो भी हमारे प्लांट्स या एनिमल्स हैं उनके लिए नुकसानदायक होता है और दूसरा जो है एल्गल ब्लूम जो है वो कवर कर लेते हैं पानी को दे आर प्लैंकटोन्स ठीक है कोज्ड बाय द एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जब ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा तो अलगा ब्लूम्स बढ़ जाएंगे जिससे पानी की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव नहीं होती वो और कम हो जाती है और ख़राब हो जाती है पानी जो है फोर्थ है वाटर हाईसेंथ दो तो आइशोनिया है जो ग्रोज एबडेंटली इन द यूट्रोफिक वाटर बॉडीज़ एंड लेड टू तो इम्बेलेंस इन द इको क्योंकि क्या होता है आइसोनिया जहाँ भी ग्रो कर जाए वो बाकी स्पीसीज को ग्रो नहीं करने देता जिससे इको में इम्बेलेंस शो इम्बेलेंस हो जाता है तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्रेक्ट है तो यहाँ पे हमारा जो इनकोरेक्ट स्टेटमेंट हुआ वो हुआ सी नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी वन रेडियोलिसमिट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट सो फाइलम विच फाइलम कौन से फाइलम में के एडल्ट में उसमें देखो एडल्ट बोला है कौन से फाइलम के एडल्ट में रेडियोलिसमिट्री नहीं होगी रेडियल रेडियोलिसमिट्री क्या होती है जब सेंटर से किसी चीज़ को किसी भी प्लेन में एनी प्लेन यू कैन कट इन टू इक्वल हाफ देन इट इज कॉल्ड रेडियल सिमिट्रिकल और जबकि बायोलेट्रल सिमिट्रिकल क्या होता है वैन यू कट इंटू ओनली टू इक्वल हाफ्स ओनली इन वन प्लेन सो दैट इज कोल्ड बाइलेक्ट्रल सिमेट्रिकल और जबकि स्टीनोफोरा और सीलेंटरेटा जो हैं ये दोनों ही रेडियोलिसमिट्रिकल शो करते हैं और दूसरा हमारा एकाइनोडर्मेटा जो है एक्काइनोडर्मेटा में एडल्ट्स में रेडियोलिसमिट्री होती है जबकि जो इसके लारवल स्टेज होती है उसमें बाइलेक्ट्रल समिट्रिकल होता है तो इसने बोला रेडियोसमिट्रिकल नहीं चाहिए तो इन तीनों में रेडियोसमिट्रिकल है हेमिकोरेटा इज़ द ग्रुप जहां पे आपको रेडिलस मिट्रिकल नहीं बाइलेट मिट्रिकल मिलेगा सो आंसर इज सी नौ द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52 टू टैनिया पैरामिशियम पेरी एंड फेरिटिमा इनके आपने एक्सक्रिट्री ऑर्गेन्स बताने हैं कि इसमें कौन सा एक्सक्रिट्री ऑर्गेन है यहाँ पर अगर हम देखें जो टेनिया है इट इज़ अ वर्म तो यहाँ पे इनको जो है फ्लेम सेल्स जो होते हैं इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा नेक्स्ट <coughs> है पैरामीशियम पैरामीशियम में है पैरामीशियम इट इज़ अ प्रोटोजोआ सो इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये काम करते हैं एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। पैरिप्लैनिटा एंड फेरेटीमा तो यहाँ पे पेरी प्लानिटा मीन्स कॉक्रोच इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गेन होता है वो है हमारा ग्लैंड एंड फेरीटीमा मीन्स अर्थवम अर्थवम का जो जो अर्थवम में एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है वो है हमारा नेफ्रीडिया तो यहाँ से हम अगर इन ऑप्शंस को देखें विद ए थ्री बी ए थ्री का देखो ए थ्री से ही पता चल जाता है हमारा आंसर जो है वो डी होगा ए थ्री है बी टू के साथ जा रहा है सी के साथ फोर है यानी कि यूरिकोज ग्लैंड और फेरेटीमा के साथ नेफ्रीडिया नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं लिगामेंट्स और कार्टिलेज लिगामेंट्स क्या होते हैं जो टिश्यू डेंस टिश्यू बोन को बोन से जोड़ते हैं दे आर कोल्ड लिगामेंट्स बट दे आर रेगुलर टिश्यूज नॉट इरेगुलर सो दिस स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट सेकेंड कार्टिलेज जो होता है वो एक स्पेसिफिक टिश्यू है सो so ये इसमें नहीं आता तो so, दोनों ही स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है तो so, आंसर हमारा हो गया सी बो स्टेटमेंट आर इनकोरेक्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेमरिन सिस्टम इनमें से कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमारे पास दो तो ये मेन है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये आते हैं हमारे पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में और इन्हीं से ही आपको पता होगा जो इनकी वेसिकल्स होती हैं वो आगे वेक्योल्स और जो हमारे लाइसोजोम्स हैं वो बनाते हैं तो ये चार ऑर्गेनलीज हमारी आती हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो बाकी ये तीन बची ये नहीं आती माइटोकोड्र क्लोरोप्लास्ट एंड परोक्सीजोम्स तो हमारा आंसर है ए सी एंड ई मीन्स सी में हमारे पास ए सी और ये e ऑप्शन है तो हमारा आंसर हुआ सी नाओ द नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी फाइव नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केटन इन अ सेल साइटोस्केल्टन जो है वो क्या काम करता है सेल की स्ट्रक्चर मेंटेन करना और मोटिलिटी में हेल्प करना मूवमेंट में हेल्प करना तो so, यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी मींस मोटिलिटी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रोटोसिंथेसिस न्यूक्लियर डिवीजन दिस आर द नोट फंक्शन साइटोस्केल्टन आंसर इज डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट वन लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्परेरली इनएक्टिव स्टेट अगर आप कम टेम्परेचर पे किसी एंजाइम को रखते हो बॉडी का टेम्परेचर अगर कम हो जाए तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं और अगर हाई टेम्परेचर पे हो अगर किसी चीज़ को आप बॉयल कर दोगे तो उसके जो एंजाइम क्या है प्रोटीन है वो डी हो जाएंगे वो उनकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगी टूट जाएगी सो दे गेट डी नेचर्ड बाय द हीट सो दिस स्टेटमेंट इज़ कोरेक्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट वेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्टेट इन इट्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के साथ एक कम केमिकल जो है वो बिल्कुल सेम है दो केमिक दूसरे के साथ जिसके साथ कोई एंजाइम एक्टिव होना हो तो वो उसका क्या करते हैं उस एंजाइम के साथ लग जाता है और वो एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है जिसको हम कम्पिटिटिव इनिबिशन बोलते हैं जिसका एग्जाम्पल आपने पिछले ही क्वेश्चन में कुछ किया था कि मेलोनेट जो है वो सक्सीनेट का कम्पिटिटिव इन्हीबिटर है बैलोनेट जो है वो सक्सीनेट से रिजेंबल करता है जिसकी वजह से सक्सीनेट डिहाइड्रोजने जो एंजाइम है उसको इनएक्टिवेट कर देता है सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट बोथ आर ट्रू आंसर इज बी नाउ फिफ्टी सेवन क्वेश्चन अ प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाई फर्स्ट एमिनो एसिड जो हमारा फर्स्ट एमिनो एसिड है और जो लेफ्ट साइड होगा वो हमारा सी टर्मिनल होगा ना कि एन टर्मिनल तो यहाँ पे इन्होंने एन टर्मिनल लिखना था सी टर्मिनल लिखा हुआ है सो दैट इज़ रॉन्ग प्रोटीन इज इमेजन एज अ लाइन द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाई द फर्स्ट अमीनो एसिड इज एन टर्मिनल नोट सी टर्मिनल एंड द राइट इज रिप्रेजेंटेड ए सी टर्मिनल नॉट एन टर्मिनल सो स्टेटमेंट वन इज़ इनकोरेक्ट नाउ सेकेंड स्टेटमेंट एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन दैट कन्जिस्ट ऑफ फोर सब यूनिट्स इसमें दो सब यूनिट्स होती है हमारी एडल्ट हीमोग्लोबिन में तो उन चार सब यूनिट में दो अल्फा होती हैं दो बीटा तो ये दोनों ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है हीमोग्लोबिन जो बना होता है वो चार सब यूनिट्स का बना होता है जिसमें से दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन होंगी तो यहाँ पे स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। तो आंसर है स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट सो आंसर इज ए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट अभी आपको लिस्ट मैच करनी है जिसमें दिया हुआ है आपको सेल्स दिए हुए हैं और उनका सिक्रीशन दिया हुआ है तो सेल्स क्या हैं पेप्टिक सेल्स पेप्टिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं दे सिक्रिट एंजाइम पेप्सिनोजन। तो यहाँ पे ए के साथ हमारे पास थ्री जाएगा जहाँ पे एक में ही ये दिया हुआ है बाकी औरों को भी हम चेक करेंगे गोब्लड सेल गोब्लड सेल जो है वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं बी विद वन दैट इज़ ऑल्सो ट्रू

वंस द अनडाइजेस्टिड एंड अनएबज़ॉर्ब सब्सटेंस एंटर द कैल्शियम कैल्शियम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जहाँ पे फूड जो डाइजेस्ट नहीं होता और ना ही एब्जॉर्ब होता तो वो जाके कैल्शियम में एंटर कर जाता है बाय इलियो केशियल वॉल्व एंड दिस बैक फ्लो और उसको फिर वापस नहीं जाने देते स्मॉल इंटेस्टाइन में तो इसको कौन कंट्रोल करेगा हमारा इलियो केशियल वॉल्व कंट्रोल करता है जो फूड को अनडाइजेस्टिड फूड को आगे रेक्टम रेक्टम में लेके जाएगा आगे रेक्टम में कुछ देर के लिए स्टोरेज होती है और फिर उसे बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग वाइटल कैपेसिटी क्या होता है दैट इज द टोटल लंग कैपेसिटी मीन्स कितनी जो है आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल आप बाहर निकालने के बाद हवा कितनी आप इंस्पायर कर सकते हो टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट इज़ योर वाइटल कैपेसिटी या फिर हम कह सकते हैं कि टोटल टोटलेशन करने, करने के बाद आप कितनी जो है हवा एक्सपायर कर सकते हो बाहर निकाल सकते हो तो दैट इज अ टोटल वाइटल कैपेसिटी और इसको हम मेजर कर सकते हैं बाय इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो आपने नॉर्मल अंदर सांस ली एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो आपने नॉर्मल सांस बाहर ली और टाइडल वॉल्यूम तो इन तीनों को मिला के सो आंसर ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ए बना कि इन तीनों को मिला के जो हमारी कैपेसिटी बनती है वो दैट इज टोटल कैपेसिटी कैपेसिटी वाइटल ऑफ द लंग नौ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्सटी वन सिक्सटी वन में आपको पी वेव क्यू वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टी वेव दिया है ये आप कहा पढ़ते हो ये आप पढ़ते हो हमारे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में जहाँ पे आपके पास ये चार मेन सेक्शन दिए होते हैं जो आपकी जो हर्ट के डाइस्टोलो सिस्टोलिक जो मूवमेंट है उसको शो करते हैं जहाँ पे आपका जो पी वेव है वो हमारा जो है वो शो करता है डीपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया अट्रिया यानी कि जो ऊपर वाले चैम्बर हैं वो डीपोलराइज हो जाएंगे और क्यू वेव उसके बाद नेक्स्ट वेव बनती है क्यू वेव क्यू वेव जो है वो हमारा शो करता है बिगनिंग ऑफ सिस्टोल जो <coughs> कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करने को शो करता है क्या वेव क्या आर एस कॉम्प्लेक्स जो है क्या आर एस इकट्ठी जो एक वेव बनती है कंटिन्यू वो हमारी शो करती है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल जो हमारे नीचे वाले चैम्बर है फिर वो डिपोलराइज हो जाएंगे और फिर हमारे पास आती है टी वेव टी वेव क्या करेगी दोबारा से उनको रिपोलराइज करेगी रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल तो यहाँ पे हमारा आंसर में ए के साथ थ्री जा रहा है जो कि एक ही ऑप्शन में है बी में और बी के साथ वन सी के साथ फोर एंड डी के साथ टू सो राइट आंसर इज़ बी सो हेयर वी हैव डन सिक्सटी वन क्वेश्चन इन दिस वीडियो नाउ यू विल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल और ऑल्सो कमेंट वट एवर यू वॉन्ट विच टॉपिक यू वॉन्ट नेक्स्ट टू एक्सप्लेन एंड वी विल फर्दर कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू